नमस्कार साथियों, सभी का BSR स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कुछ स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि सर जी हमारा 230 नंबर है, हमारा 240 नंबर है, क्या मेरा पहली लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा? क्या मेरा पहली लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा? अब पहली लिस्ट के अंदर 240 वाले का नाम आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, 230 वाले का भी आ सकता है, और किस सिचुएशन के आधार पर नहीं आएगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं लेकर आया हूँ। और साथ में मैं कट ऑफ के आंकड़ों का संश्लेषित विश्लेषण आपके समक्ष में करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि आपने अगर काउंसलिंग करवाई है, आपने जो काउंसलिंग करवाई है और काउंसलिंग के अंदर मान लो आपके नंबर है ना, मानो कि आपके नंबर मान लो कि 265 पर नंबर मान लो। अब आपका डाउट क्या है कि सर हमारा 265 नंबर है और हमने मान लो कि 40 प्लस तो कॉलेज अटैच किए हैं, इसके अलावा मान लो आप 5 जिले हमने भरे हैं और इनके बाद में हमने क्या किया है, हमने आल राजस्थान किया है, आल राजस्थान किया है, तो क्या हमें इस 40 कॉलेज के अंदर कॉलेज मिलेगी 40 कॉलेजों में, या फिर हमें इन 5 जिलों में मिलेगी, या फिर आल राजस्थान में मिलेगी? पहले इस चीज की आप सहव्याख्या समझ लीजिएगा कैसे मिलती है। देखो 265 वाले क्या करेंगे, वो अगर पहली लिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा तो किस आधार पर आएगा, पहली लिस्ट के नाम अगर आपका आएगा तो किस आधार पर आएगा? अब कुछ कहेंगे सर हमें तो मान लो कि मुझे 26 नंबर की कॉलेज मिल गई, तो जो मैंने कॉलेज भरी है ना उनमें मिल गया, आल राजस्थान का कोई उसमें रोल नहीं रहा, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर 26 नंबर की कॉलेज मिली है, इसका भी इसके ऊपर फर्क पड़ेगा, 5 जिले पर पड़ेगा, आल राजस्थान पर पड़ेगा। अगर आपको अपने जो कॉलेज आपने भरी है उनमें से अगर कॉलेज मिल रही है तो भी इसका सहव्याख्यात यहाँ पर संश्लेषित इसके ऊपर क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है कि नंबरों के आधार पर कॉलेजों की बंटावर स्थिति को वो चेक करते हैं, यानी 265 नंबर है, इन 40 कॉलेज के अंडर आल राजस्थान कुल कितने विद्यार्थियों के समक्ष आज तक हो गए हैं, ऐसी परिस्थितियों का भी निर्माण हो सकता है, बार बार हो जाता है। तो अगर आल राजस्थान किया है, 5 जिले हैं, 40 कॉलेजों में 26 नंबर की कॉलेज भी मिल सकती है। अब आप सोचो कि अगर हम आल राजस्थान नहीं करते, 5 जिले भी नहीं भरते, तो 265 के अंदर हमें कॉलेज मिल सकती क्या? बिल्कुल मिल सकती थी, पर पहले लिस्ट के अंदर नाम नहीं आता। आपके कम से कम 240 प्लस आपने सिर्फ कॉलेज अटैच की, तो आपको मान लो या तो कॉलेज कब मिलती, जब 40 कॉलेजों के अंदर कोई सीट खाली है। लेकिन सीट खाली कब तक होगी? सीट खाली अगर 265 नंबर से ज़्यादा वाले अगर कोई विद्यार्थी होगा तो पहले तो उनको सीट दी जाएगी, ठीक है ना, और उनके बाद उनको सीट अगर नहीं मिलती है, उनके नंबर कम है कोई और विद्यार्थियों के, तब आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार आल राजस्थान का फॉर्मेट रहने वाला है। तो मैं बता देता हूँ कि इस बार लगभग मान लो कि पहली लिस्ट इधर की साइड में बात करूंगा, सेकंड की बात करूंगा और थर्ड की बात करूंगा, लगभग कितने कम से कम नंबर वालों का आ सकता है। देखो फर्स्ट लिस्ट वालों आपका लगभग 240 प्लस वालों का नाम आएगा। अब 240 प्लस वाले मैंने क्यों बोल रहे हैं, 240 प्लस लगभग 270 प्लस तो विद्यार्थियों का नाम उनमें से आएगा जो क्षेत्र विशेष से अपने जिले में आ जाएगा, और 240-250 वाले का नाम कैसे आएगा, आल राजस्थान की श्रेणी से आएगा, आल राजस्थान की। अब आल राजस्थान में कैसे आएगा, जैसे मान लो कोई विद्यार्थी बांसवाड़ा का है, कोई स्टूडेंट बांसवाड़ा का है, उसे चूरू कॉलेज मिलती है, चूरू कॉलेज मिलती है, तो देखो फॉर्मेट कितना लंबा हो गया। तो वैसी स्थिति में उनको 230-40 के अंदर कॉलेज मिल जाती है, क्योंकि उधर के साइड जनजातियों का विशेष क्षेत्र विशेष समुदाय रहता है, SC ST बहुत ज़्यादा, नॉन टेस्ट वगैरह, तो इस कार उनका आल राजस्थान में पहले लिस्ट में आने के चांस है, सिर्फ उन उनका, ठीक है, उस क्षेत्र विशेष का SC ST थोड़े बहुत निचली कैटेगरी उनका आने के चांस है, ठीक है। सेकंड की मैं बात करूँ, लगभग मान लो कि 230 प्लस वालों का आ जाएगा, थर्ड के अंदर मतलब 200 प्लस वाले का तो आ जाएगा, और फोर्थ लिस्ट निकलेगी, फोर्थ लिस्ट निकलेगी, ऐसा नहीं उनमें भाई 190 हो जाएगा, 180 फोर्थ लिस्ट के अंदर जो स्टूडेंट सेंस बच गए, 240 वाले भी हो सकते हैं, कोई 290 वाला भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने आल राजस्थान नहीं किया है, कम जिले सेलेक्ट किए, तो उसको वैसे मिलने के चांस नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे कट ऑफ का क्या कुछ सिलसिला रहने वाला है। मैं पहले बात करूंगा साइंस की, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साइंस की अगर, साइंस के अंदर अगर जनरल कैटेगरी है, जनरल में अगर 360 प्लस है तो कॉलेज मिलेगी, अगर OBC की बात करें तो 350 नंबर पर कॉलेज मिलेगी, और अपने बात करें AWS की, AWS के अंदर आपको OBC में लगभग 350 मिल जाएगी, AWS 350 में इसमें मिलेगी, और बात करें MBC में तो MBC के अंदर लगभग यह मान सकते हो आप 340 प्लस नंबर होने चाहिए प्लस, और SC और ST के अंदर लगभग 330 300 300
20 या समथिंग मान लो 310 के आसपास ये रहने वाली है, ये 310 आप कर सकते हो। ये तो होगी साइंस की। अगर मैं बात करूँ आर्ट्स कैटेगरी की कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी लगभग 330% क्षेत्र विशेष के अंदर कॉलेज मिलेगी। अगर OBC है तो 320 में कॉलेज मिल जाएगी। अगर आपके AWS कैटेगरी, AWS के अंदर 310 प्लस के अंदर आपको क्षेत्र में कॉलेज मिल जाएगी। और SC ST के अंदर, SC और ST के अंदर लगभग मान लो 280 प्लस में और 290 प्लस में आपको कॉलेज मिलेगी। और MBC की अपन बात करें तो लगभग 300 नंबर जिनके भी आ रहे हैं MBC के अंदर, उनको कॉलेज अपने क्षेत्र विशेष के अंदर मिलेगी। बहुत ज़्यादा चांस है, वो बन सकते हैं। अब अपन बात करें भाई PTT अलॉटमेंट लिस्ट की, PTT लिस्ट की। तो पहले लिस्ट आपकी 23 जुलाई को है, वो आने के चांस। अब डेट बढ़ सकती है क्या? डेट बढ़ सकती है क्या? देखो डेट इस बार है वो 70% चांस है कि डेट फिर से बढ़ेगी। 70% आपका चांस है कि आपकी डेट है वो फिर से बढ़ेगी, क्योंकि टाइम अभी तक मैनेजमेंट रख रखा है। क्योंकि पहले 2022 के अपन बात करते हैं, नवंबर के अंदर इनके एडमिशन शुरू हुए थे, तो उस आधार पर अगस्त सितंबर तक और अक्टूबर तक चल सकते हैं, तो डेट बढ़ने के पूरे पूर्ण चांस है। लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। अगर किसी ने काउंसलिंग वगैरह नहीं करवाई है, तो अगर डेट बढ़ती है तो करवा सकते हैं, अन्यथा वो नहीं करवा सकते। तो ये कुछ खास इन्फॉर्मेशन थी PTT 2023 से लेकर। तो जितना उसकी वीडियो को शेयर वगैरह जरूर करें, मिलते और भी अच्छे और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई, आपका डाउट है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर दीजिएगा। 78523 35 39 मोबाइल नंबर है, और कमेंट बॉक्स तो आप कर ही रहे हो, कोई दिक्कत और प्रॉब्लम इसके अंदर है नहीं। तो जितना उसके वीडियो को आप शेयर जरूर करें, मिलते हैं और भी अच्छे शानदार वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों अपना प्यार सपोर्ट यूं ही हमारे साथ BSR स्टेट बोर्ड के साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद।